बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो इसमें हम उन पार्शियल फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस, पहले हमने जो है पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने होंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी होगी। अभी हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस थी क्या। ठीक है, आप पहले पढ़ तो चुके हैं लेकिन थोड़ा सा हम दोबारा से उसको देख लेते हैं ताकि वो रिवाइज भी हो जाए और साथ में फिर उसकी इंटीग्रेशन भी हम फाइंड कर लेंगे और एग्जाम्पल से भी इसको हम समझ लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन देखें, पॉलिनोमियल्स का आपने देखा होगा, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सपोज करते हैं कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स के ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो इक्वल जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो क्यू ऑफ एक्स। ये पॉलिनोमियल जो सेकंड पॉलिनोमियल जिसको मैंने कहा कि ऑफ एक्स जिसका नाम रखा है वो इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अब फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन होती है कि हम इसको यानी कि पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर दें क्यू ऑफ एक्स से, यानी कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो भी आपको टर्म नजर आएगी वो पार्शियल फ्रैक्शन होती है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या कहें उसको, वो फ्रैक्शन या आप उसे कह सकते हैं रेशनल फंक्शन होता है, ठीक है। अब p ऑफ x ओवर q ऑफ x तो एक रेशनल फंक्शन हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि q ऑफ x जो है वो शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म जीरो हो जाती है यानी कि होल टर्म जीरो हो जाती है डिनोमिनेटर में तो वो अनडिफाइंड हो जाती है टर्म, यानी कि एज अ होल अगर देखा जाए तो वो इन्फिनिटी बन जाती है। तो इसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन क्या देखना है कि q ऑफ x अब यहाँ पर पॉलिनोमियल है, p ऑफ x भी पॉलिनोमियल है, q ऑफ x भी पॉलिनोमियल है, यानी कि अब डिफरेंट केसेस बनते हैं, ठीक है। केसेस किस पे डिपेंड करेंगे कि q ऑफ x पे, q ऑफ x किस तरह से, q ऑफ x जो है अब यहाँ पर जो है उसके फैक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है, और वो फैक्टर्स किस टाइप के होंगे उसकी बेस पे इस पे केसेस बनते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के। सपोज करते हैं कि अगर q ऑफ x जो है उसके फैक्टर्स बनते हैं जो कि नॉन रिपीटेड होते हैं और लीनियर फंक्शन होते हैं, नॉन रिपीटेड हों और लीनियर हों तो उसको हम कहेंगे कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, ये केस वन बन गया। उसके अलावा और भी आपने पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स, ठीक है, केस टू में मैं दूसरे का जिक्र कर देता हूँ और किस टाइप के फैक्टर्स हो सकते हैं जो रिपीटेड हो सकते हैं, यानी कि इसके ऑपोजिट रिपीटेड फैक्टर्स, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, अच्छा एक तो ये हो गया नॉन रिपीटेड और लीनियर और उसके अलावा रिपीटेड एंड लीनियर, ठीक है, और केस थ्री में फिर क्या होगा, यानी कि और किस टाइप के यानी कि क्यू ऑफ एक्स के फैक्टर्स बन सकते हैं। केस थ्री में यह है कि लीनियर भी होंगे, नॉन रिपीटेड भी होंगे, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, ठीक है, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल भी हो सकते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हम उसे कह सकते हैं सिंपली क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है, साथ में लीनियर रिड्यूसेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके ऑपोजिट यानी कि इररिड्यूसेबल, चलिए ये तो हमने बात कर ली कि ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं रेशनल फंक्शन है जिसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है q ऑफ x उसके फैक्टर्स की हमने बात की कि तीन तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा लीनियर हो सकते हैं और रिपीटेड लीनियर हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि लीनियर भी होंगे, रिड्यूसेबल हो सकते हैं या फिर इररिड्यूसेबल हो सकते हैं।
लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का इसमें जिक्र नहीं आया। पार्शियल फ्रैक्शन फिर क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन देखें, अगर मैं कहता हूँ कि सपोज हमारे पास एक टर्म है, फ्रैक्शन है, या फिर आप उसे रेशनल नंबर कह सकते हैं, रेशनल फंक्शन कह सकते हैं, 12 ओवर सपोज 5 है, ठीक है? तो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में फैक्टर्स बना के लिखूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि 7 ओवर 5 या 7 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 5, ठीक है? तो अगर आप इसको दोबारा से सम करें, क्या बनता है? इसका एलसीएम लेंगे आप, ये एलसीएम 5 आ गया, और फिर 7 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 ओवर 5, यानी कि 12 ओवर 5 के इक्वल आई है, 7 और 5 प्लस 5 और 5। दो ये रेशनल फंक्शंस है हमारे पास, या आप फ्रैक्शंस कह लें, इन दोनों फ्रैक्शंस का सम इसके इक्वल है, तो हम इन दोनों को क्या कहेंगे कि ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, यानी कि इन दोनों को सम करें तो इसके इक्वल आता है, तो ये दोनों इसके पार्ट्स हैं, ये कह सकते हैं आप, ठीक है? तो पार्शियल फ्रैक्शंस जैसे कहा जाता है, इस तरह से कहा जाता है ये। तो चले, हमने न्यूमेरिक की बात की है, न्यूमेरिक हमने लिया है यहाँ पर, फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर लिए हैं, ठीक है? तो हम जो है यहाँ पर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे, और डिफरेंट क्वाड्रेटिक फ्रैक्शंस होंगे यहाँ पर, ठीक है? अल्जेब्रिक हो सकते हैं, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट फंक्शंस उनकी बात करेंगे। न्यूमेरिक मैंने एग्जांपल दी है आपको ताकि आसानी से समझ आ सके। तो चलें, अब हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट केस की एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर की यानी कि पॉलिनोमियल होगा वो नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर्स होंगे उसके। तो उसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? सपोज मैं एक लिखता हूँ, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है -x + 6, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है वो है 2x² - 7x + 6, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, P(x)/Q(x) की फॉर्म में। अभी मैं इंटीग्रेशन की बात नहीं करूँगा, मैं अभी सिर्फ जो है इसकी बात करूँगा कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? पार्शियल फ्रैक्शंस, अब हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं। उसमें तो हमने बहुत आसानी से लिख लिए थे इसके पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक को समझना बहुत आसान है। लेकिन इस केस में अब हम क्या करेंगे, किस तरह से मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखूँ? तो उसका एक मेथड है, ठीक है? मेथड ये है कि आप डिनोमिनेटर में, अगर तो आपको फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स बनाने का तरीका आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वेयर से है, ठीक है? उसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, उसके अलावा और भी मेथड्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स बनाने के। तो उसमें से किसी एक मेथड से आप यानी कि मिड टर्म ब्रेक करके भी फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक? कोई भी एक मेथड आप यूज़ करें और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लें। चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर यहाँ पर है 2x² - 7x + 6। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? इसके फैक्टर्स बन सकते हैं x-2 × 2x-3। ये कैसे आ सकते हैं फैक्टर? अगर आप मिड टर्म ब्रेक करके करें तब भी आ जाएंगे, ठीक है? अदरवाइज कोई और मेथड भी यूज़ करें तब भी आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। चलिए, मैं ऐसा करता हूँ कि मिड टर्म ब्रेक करके यहाँ पर आपको फैक्टर्स बना के दिखाता हूँ। इसके 2x² फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म भी एज इट इज, और मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। मिड टर्म हमारे पास क्या है, -7x। अब -7x को हमने इस तरह से दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनका प्रोडक्ट, जिनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास नंबर्स या लिखे हुए हैं, ठीक है, टर्म्स लिखी हुई हैं, उनके प्रोडक्ट के इक्वल आने चाहिए। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 6×2 = 12x². मतलब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x² आए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7x आए, -7x। इस तरह से हम यानी कि मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, प्लस या माइनस करने से हमारे पास -7x आए, और मल्टीप्लाई करने से 12x² है। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? और हाँ, हमने साथ में साइन का भी ख्याल रखना है कि -7 आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, ठीक है? और यहाँ पर +12x² आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऐसे दो नंबर्स लिखता हूँ, ऐसे दो नंबर्स हैं -4x
-3x, ठीक है। इन दोनों को आप, यानी कि चले मैं ऐसा करता हूँ कि इनको डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि यहाँ पर आ जाएगा -4x -3x। अब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करके देखें, -4 × -3 इज +12, +12, और x भी साथ में मौजूद है तो +12x² बनता है, ठीक है। मतलब कि ये कंडीशन ठीक होगी। उसके बाद आप इसको ऐसा करें कि ऐड या सेपरेट देखें, दोनों के साइन पर डिपेंड करता है, ये प्लस होंगे या सेपरेट होंगे, ठीक है। तो -4x -3x इन दोनों को आप सॉल्व करके देखें तो -7x आता है, मतलब कि ये भी कंडीशन वेरीफाई होगी, ठीक है। ये तो हमने कर ली मिड टर्म ब्रेक। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि पहली दो टर्म्स में से कॉमन लेना है। पहली दो टर्म्स में से आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, 2x कॉमन है, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से x बच गया यहाँ पर और इसमें -2 बच गया, और इस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन है, तो यहाँ पर x -2 आ गया। अब ये दो टर्म्स बन गई हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, x -2 कॉमन है, x -2 को हम कॉमन ले लेते हैं, और बाकी जो टर्म्स बच गई इसमें से, पहली टर्म में से 2x बच गया क्योंकि x -2 बाहर आ गया, उसके बाद माइनस, और फिर इसमें से भी x -2 बाहर जा चुका है, तो यहाँ पर 3 बच गया। तो ये दो फैक्टर्स बनते हैं। अच्छा, फैक्टर्स होते क्या हैं, फैक्टर्स ये होते हैं कि अगर मैं इस फैक्टर्स, ये एक कंप्लीट एक सिंगल फैक्टर है, ठीक है, इसका किसका फैक्टर्स हमने बनाया है, इस एक्सप्रेशन के बनाए ना, तो अगर इससे इसको मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। आप बेशक करके देखें, यहां मैं करा के नहीं दिखाऊंगा, तो मतलब आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं कि एक्स 2x² -7x+6 को आप x -2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये फैक्टर है, और आप ट्राई कर लें, ये इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा, ठीक है। ये तो एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर ये है 2x-3, आप इससे भी इसको डिवाइड करके देखें, 2x² -7x+6 को, ठीक है, इससे डिवाइड करें 2x-3 से, तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये दो ऐसे नंबर्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं जिससे आप इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। तो ऐसे नंबर्स या एक्सप्रेशंस को आप क्या कहते हैं, वो उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। और फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप मिड टर्म ब्रेक करके फाइंड कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वेयर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक मेथड आप, जो भी आपको आसान लगता है उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फैक्टर्स चाहिए थे, हमने फैक्टर्स यहाँ बना लिए। चलिए अब आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। -x+6 एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, हम फैक्टर्स बना रहे थे डिनोमिनेटर के, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं x -2 × 2x-3, ठीक है। ये हमने फैक्टर्स बना लिए। अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको, चलें वो आपने पहले पढ़ा तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। चलें, अच्छा, उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप इन दोनों फैक्टर्स को देखें तो इसमें क्या आपको नजर आ रहा है कि x-2 है, ये क्या है 2x-3 है, क्या ये सेम है, नहीं, यानी कि इसमें से कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रिपीट हो रहा, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए, और उसके अलावा एक्स की पावर्स क्या है, 1 1 है, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, तो जहाँ जिस एक्सप्रेशन में एक्स की पावर 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। आपने लीनियर इक्वेशन भी पढ़े होंगी, ठीक है। तो जहाँ पर एक्स की पावर 1 हो उस एक्सप्रेशन को लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। जिस तरह से एक्स -2 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, ये 2x-3 है, इसमें भी x की पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर एक्सप्रेशंस है, अगर सेपरेट सेपरेट इनको देखा जाए तो। एक तो लीनियर हो गया, दूसरा हमने क्या कहा कि दोनों डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। यानी कि केस वन जो है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, केस वन की एग्जाम्पल हम सॉल्व करें। अच्छा, अब यहां पर हमने इसको लिखना है, चलें इससे पहले मैं वो लिख ही देता हूँ कि ये किसकी एग्जाम्पल है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है, -x+6 ओवर x-2 डिवाइडेड बाय
2x माइनस 3, जिसको हम इक्वल लिखेंगे किसके, अच्छा दोनों फैक्टर्स को अलग अलग करके लिखना है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ x माइनस 2, ये एक फैक्टर, और दूसरे फैक्टर को दूसरे यानी कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2x माइनस 3, और दरमियान में हमारे पास पॉजिटिव का साइन आएगा। अब ऊपर जो मर्जी आप नाम रख लें, न्यूमरेटर में अभी हमने हमें तो नहीं पता ना यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में आप लिख सकते हैं a लिख लें, ठीक है, और यहाँ पर b लिख लें, या कोई भी आप अपने मर्जी से नाम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर a और b तरतीब में लिख ली है, ठीक है। तो अब हमें a और b की अभी तक वैल्यूज़ नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी। तो वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, चले हम फाइंड करके दिखाते हैं आपको। हम ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ इस डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर दें। सपोज ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल, ये 2x माइनस 3 इससे कैंसिल, ठीक है, ये x माइनस 2 जो है इस x माइनस 2 से कैंसिल, और यहाँ पर 2x माइनस 3 जो है इस 2x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी जो टर्म्स बची वो आप लिख लें, माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 3 प्लस, अब इस टर्म में कौन सी टर्म्स बची हैं जी, x माइनस 2 बची है, b इंटू x माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो ये हमने अभी तक यानी कि हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, a और b की वैल्यूज। a फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है अगर एक इक्वेशन हो और दो अननोन्स हो तो हम उसकी वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। अननोन्स की जितने अननोन्स हो उतनी इक्वेशंस हो तब हम आपस में सॉल्व करके उन अननोन्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आप देखें ए और बी दो अननोन्स हैं और इक्वेशन आपके सामने एक ही है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस टर्म को जीरो करेंगे, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक अननोन बच जाएगा ना। तो बी फाइंड करने के लिए हम इस टर्म को जीरो करेंगे तो हमारे पास बी आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। चलें हम ऐसा करते हैं कि पहले इस टर्म को जीरो करते हैं फॉर ए, क्योंकि हम पहले ए फाइंड करने जा रहे हैं। फॉर ए बी टर्म जीरो कैसे होगी, इसके साथ जो एक्स माइनस टू है इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दें, ठीक है, एक्स माइनस टू को इक्वल हम जीरो पुट कर रहे हैं, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू टू पुट कर रहे हैं। यहाँ से इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू टू आता है, तो जहाँ जहाँ पर इस इक्वेशन में एक्स है उसकी जगह आप टू पुट कर दें, माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू ए इंटू टू मल्टीप्लाई बाई टू माइनस थ्री प्लस बी इंटू टू माइनस टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये फोर आ जाएगा इसका रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री इज वन इंटू वन प्लस बी इंटू ज़ीरो, यानी कि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास ए इज इक्वल टू फोर आ जाता है, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। उसके बाद यानी कि यहाँ से हमने ए फाइंड कर लिया, अब हमने बी फाइंड करना है, तो बी फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन में हम इस टर्म को ज़ीरो कर देंगे, और इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू एक्स माइनस थ्री को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, तब वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, तो ये होल टर्म ज़ीरो हो जाएगी। हम लिखते हैं फॉर बी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, पुट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है 3 बाय 2, ठीक है, चले पुट कर देते हैं, माइनस 3 बाय 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बाय 2 माइनस 3, ठीक है, इंटू ए, और प्लस बी इंटू 3 बाय 2 माइनस 2। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये तो चलें इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया एलसीएम इसका,
और माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ए इंटू ये टू टू से कैंसिल और थ्री माइनस थ्री इज जीरो जीरो हो गया प्लस बी इंटू इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं टू इसका एलसीएम आएगा थ्री माइनस फोर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास b की क्या वैल्यू आती है 12 माइनस थ्री एट डिवाइडेड बाय टू नाइन आता है यहाँ पे एट की जगह क्योंकि 12 में से थ्री माइनस करें तो हमारे पास नाइन आएगा नाइन डिवाइडेड बाय टू और ये टर्म तो जीरो हो जाएगी जीरो प्लस थ्री माइनस फोर इज थ्री में से फोर माइनस करें माइनस वन आता है माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू बी। ठीक है तो यहाँ से अब हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं नाइन बाय टू और यहाँ पर है माइनस या बी इंटू माइनस वन बाय टू। ठीक है अब इस माइनस वन बाय टू को हमने ख़त्म करना है तो हम ऐसा करते हैं कि ये माइनस टू या फिर आप ऐसा करें चलें दोनों साइड पे हम कहते हैं कि माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस टू से क्यों मल्टीप्लाई किया एक तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमें पॉजिटिव बी की वैल्यू चाहिए ना नेगेटिव कितनी चाहिए और दूसरा ये टू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा टू टू से कैंसिल आउट ये पॉजिटिव हो गया और ये टू टू से कैंसिल आउट और ये माइनस नाइन आंसर आ गया बी का। ठीक है तो अब हमारे पास क्या बच गया ए और बी की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की जो इक्वेशन थी हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ कि माइनस एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री हमने किसके इक्वल लिखा था ए ओवर एक्स माइनस टू प्लस बी ओवर टू एक्स माइनस थ्री। अब ए और बी की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं ए की क्या वैल्यू आई थी ए की वैल्यू आई थी फोर यहाँ पर पुट कर देते हैं फोर ओवर एक्स माइनस टू प्लस बी की क्या वैल्यू आई थी बी की हमारे पास माइनस नाइन आई थी तो माइनस नाइन डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस थ्री। अब ये माइनस और प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम डायरेक्ट यहीं से माइनस कर देते हैं। अच्छा अब ये है कि अगर चलें उससे पहले मैं बताऊं कि हमने यहाँ पर क्या किया हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिए। ठीक है पार्शियल फ्रैक्शंस क्या मतलब कि ऐसी फ्रैक्शंस में दो फ्रैक्शंस में इसको तोड़ के लिख दिया है। ठीक है सेपरेट करके लिख दिया है कि इन दोनों का की सब्ट्रैक्शन या ऐड करके आपके पास यही सेम रिजल्ट आता है। ठीक है आप बेशक इसको ऐड करके देख लें ठीक है एलसीएम लें फिर ऐड करके देख लें तो आपके पास जो है रिजल्ट में दोबारा से ये आएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में करने का फ़ायदा क्या हुआ पार्शियल फ्रैक्शन में हमें करने का ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने इसकी यानी कि इंटीग्रेशन फाइंड करनी है अभी हम इंटीग्रेशन के हिसाब से बात करेंगे कि अगर आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है सपोज इस फंक्शन की। ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मतलब देखना पड़ेगा कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है अगर नई थ्योरम अप्लाई होता है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है तो उससे अच्छा है कि वो इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें उसके बाद उसकी अलहदा अलहदा से इंटीग्रेशन फाइंड कर लें मतलब कि जिस तरह से मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ साथ में डी एक्स भी साथ लिख देते हैं क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इंटीग्रेट करना है तो ये बन जाएगा इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी फोर चलें कॉफिशेंट है कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया वन ओवर एक्स माइनस टू डी एक्स माइनस अब यहाँ पर नाइन भी चलें बाहर ले आते हैं कॉन्स्टेंट है कॉफिशेंट है वन ओवर टू एक्स माइनस थ्री यहाँ पर बच गया और साथ में डी एक्स भी है। अब देखें नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है फंक्शन क्या है एक्स माइनस टू इसका डेरिवेटिव क्या होगा वन होगा। ठीक है एक्स का डेरिवेटिव इज वन और माइनस टू तो कॉन्स्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा वन माइनस जीरो इज वन यानी कि ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है तो उसका हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि उसका इंटीग्रेशन क्या होती है उसकी नेचर लॉग ऑफ फंक्शन यानी कि इस केस में फंक्शन एक्स माइनस टू है और फोर ये एज इट इज आ जाएगा माइनस नाइन और इसी तरह से आप देखें कि यहाँ पर नीचे अगर आप फंक्शन आप इसे कंसिडर करें टू एक्स माइनस थ्री को तो क्या करेंगे आप इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए
डेरिवेटिव भी इसका 2 बनता है, ऊपर तो 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इंटू 2, और फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए। तो ये 9 बाई 2 बाहर है और इसको हम लिख सकते हैं नेचर लॉग ऑफ 2x माइनस 3 प्लस सी लिख देते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेटर है, ठीक है, मतलब कि बहुत आसानी से आप जो है इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में पहले कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ये था इसका केस 1, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में केस 2 स्टडी करेंगे।